किचन लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिसे हुए चावल के लड्डू। तो चावल हमने मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं है हमारा ये। तो इस तरह से आप लोग भी यदि दानेदार लड्डू बनाना चाहते हैं तो इस तरह के चावल पीस लीजिएगा। और ये एक बाउल जितना हमारा है, इससे हम दो बाउल लेंगे चावल का आटा और एक बाउल हम चाशनी बनाने के लिए चीनी। और ये हमारे पास घी है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी भून सकते हैं। और ये मूंगफली के दाना जो कि हम इसमें लड्डू में डालेंगे। और हमारे देसी भाषा में चावल के लड्डू को कसार भी बोला जाता है, तो हम कसार भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चावल के आटे को भून लेंगे। तो हमने गैस पे पहले से ही कढ़ाई चढ़ा के रखी हुई है, तो कढ़ाई हमारी गर्म भी हो चुकी है। अब इसमें हम डालते हैं घी। आप चाहें तो सिर्फ घी में ही भूने चावल के आटे को, या चाहें तो आप इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल भी मिला सकती हैं। घी हमारा कम था तो इसलिए हम रिफाइंड ऑयल भी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून। अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, इसके बाद से हम चावल के आटे को भूनेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम चावल के आटे को भूनेंगे। तो अब हम इसे भून लेंगे, चावल के आटे को भून लेते हैं। एक बाउल और हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। देखिए एक बाउल हमने इसमें और ऐड कर दिया। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम बराबर चलाते हुए भून लेंगे। कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसको सौंधे होने तक भून लेंगे हम। जिसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर हम बंद करेंगे गैस को। तो बराबर चलाते हुए हम चावल के आटे को भून लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमने 15 से 20 मिनट के लगभग इसको भूना है मीडियम फ्लेम पे। तो हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और हमारा चावल का आटा भून चुका है। तो इसे हम गैस को बंद करेंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, नहीं तो कढ़ाई हमारी गर्म है, नीचे से जलने लगेगी। तो हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। और इस तरह से आपको जब चावल भुन जाएगा अच्छी तरह से तो ये बिल्कुल हल्का महसूस होगा। हम जब चला रहे हैं तो एकदम से हल्का लगेगा, तो समझिए कि चावल हमारी भुन चुकी है। तो हम अब चाशनी बना लेते हैं। एक बाउल हमारे चीनी है, दो बाउल हमारे चावल का आटा था और एक बाउल चीनी। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है तो हम आधा बाउल पानी डाल देते हैं। थोड़ा पानी और डालेंगे हम। चीनी की गाढ़ी चाशनी हम बना लेंगे, बिल्कुल पतली चाशनी नहीं बनानी है। तो हम इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए, और जब इसमें एक तार बनने लगे तो समझिए कि हमारी लड्डू के लिए चाशनी तैयार है। तो हम लगातार चलाते हुए चाशनी को बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि चाशनी हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल हमें लड्डू बनाने के लिए चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, तो चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है जैसा हमें लड्डू के लिए चाहिए। देखिए इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए। तब इसमें हम भुने हुए चावल के आटे ऐड करेंगे और हम इसे चलाते रहेंगे। इस तरह से हम मिलाएंगे, सारे आटे हम डाल देंगे और अच्छी प्रकार से हम चाशनी में मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें मूंगफली का दाना भी डाल सकती हैं, या और भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद से फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो आप देख सकते हो इसलिए इसको हमने 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखा था, तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसका हम लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे लड्डू बनाने हैं। अभी तो थोड़ा गर्म है, लेकिन थोड़ा गर्म गर्म ही हमें बनाना है लड्डू। इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे और देखिए कितने बढ़िया से लड्डू बन रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे।
हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा तेल या थोड़ा सा पानी लगा के और फिर आप लड्डू बनाइए, बहुत ही अच्छा लड्डू बनेगा। काफ़ी जल्दी जल्दी बनाना है। यदि कोई आपके घर में हो, ज़्यादा आप बना रहे हो तो आप दूसरों की मदद भी ले सकते हो। देखिए कितने गोल गोल लड्डू बन रहे हैं हमारे। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेते हैं। आप देख सकते हो हमने सारे लड्डू को बना लिए हैं। तो लड्डू हमारी बहुत ही अच्छी बनी है गोल गोल, आप भी इस तरह से बनाइए। और हमारी चाशनी थोड़ी ढीली हो गई थी, यानी कि पतली हो गई थी, वैसे तो काफ़ी अच्छी बनी थी। तो यदि आपकी भी चाशनी इस तरह से हो जाती है तो आप थोड़ी देर उसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद से लड्डू बनाइए। नहीं तो बिल्कुल चावल में, आटे में और चाशनी एक समान होती है, बराबर होती है, भरभरा टाइप का होता है, फिर तो आपका ठीक है। फिर आप तुरंत ही बनाना शुरू कर दीजिए, यानी कि मतलब थोड़ी देर ठंडा कीजिए। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए, और हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him and spoken real, saw the movie I ignored.